जय हिंद। कभी आपने सोचा है कि पटरी के बगल में ये एल्युमिनियम बॉक्स का काम क्या होता है? ताजमहल के नीचे जाने पर पाबंदी क्यों है? भारत में 5G सिम कब लॉन्च होगी और 5G सिम की स्पीड कितनी होगी? ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। रेल की पटरी के बगल में ये बॉक्स। अभी के समय में रेलवे में सफर करना तो आम बात है, पर रेलवे के पार्ट्स के बारे में जानना उससे भी मजेदार है। आप लोग अक्सर पटरी के बगल में ये एल्युमिनियम के बॉक्स को तो जरूर देखे होंगे, पर आपने कभी ये सोचा है ये बॉक्स असल में काम क्या करती है? जो डिवाइस आप देख रहे हो, इस डिवाइस का नाम है एक्सेल काउंटर मशीन। ट्रेन के पहिए को गिनना, देखिए यहाँ पर ये एक्सेल काउंटर मशीन लगा हुआ है। अभी फिलहाल पटरी पर ट्रेन नहीं आ रही है, अब देखिए ट्रेन आ रही है। पूरी ट्रेन इस पटरी से गुजर गई तो देखिए ये काउंट करेगा। ये देखिए मैसेज इस वायर के थ्रू इस डिवाइस में जा रही है। इस बॉक्स में स्पीड बता रही है 263 किलोमीटर डायरेक्शन उस डायरेक्शन। तो ये डिवाइस बहुत मस्त तरीके से काम करती है। ये ट्रेन कितनी भी तेजी से जाएगी तो ये डिवाइस ट्रेन के पहिए को गिनकर बता देगी। यहाँ पर सबसे मस्त चीज ये है कि ये डिवाइस इस एक्सेल को तुरंत काउंट करके अगले स्टेशन में मैसेज भेज देती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि एक्सेल काउंटर मशीन में ट्रेन के पहिए को काउंट करने से क्या होता है। ट्रेन के पहिए को काउंट करने से ये पता चलता है कि ट्रेन की सभी बोगी पार हुई है या नहीं। एक्सेल मशीन पहिए को गिन करके अगले स्टेशन में एक्सेल मशीन में भेज देती है, तो इससे पता चल जाता है कि पटरी में ट्रेन पूरी की पूरी पार हुई है। ताजमहल के नीचे जाने पर पाबंदी क्यों? शोधकर्ताओं ने ताजमहल पर कई सारे रिसर्च किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे हजारों से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका यह भी मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है यह धरती के अंदर उतना ही गहराई तक बनाया गया है। पुराने जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता भी बनाया जाता था, और ऐसा भी ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से भी एक रास्ता है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन रहस्यमय तहखाने के साथ साथ एक रास्ता को भी बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के नीचे इन कमरों को बाद में ईंटों से बंद कराया गया है, लेकिन आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद बंद करना पड़ा? शोधकर्ताओं का मानना है, इस पर लोगों का अलग अलग राय है कि इनमें मुमताज की कब्र को रखा गया है और इन्हें गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है इसकी पूरी जानकारी किसी के पास में अभी तक नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर पहले से शिव मंदिर था और उसे तेजो महल्ले भी कहा जाता था। बाद में इसके ऊपर ताजमहल निर्माण कराया गया, इसलिए यह तहखाना ताजमहल से भी पुराना है। लेकिन एक और जानकारी सामने आई है कि ताजमहल के नीचे खजाना भी हो सकता है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर द्वारा नीचे कई धातु होने की प्रूफ मिल चुकी है, लेकिन इसे अभी तक खोला ही नहीं गया है। भारत में 5G कब लॉन्च होगा? रिलायंस जियो जल्द ही भारत में 5G सिम लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए कंपनी की तरफ से टेस्टिंग जारी है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार माने तो इसकी शुरुआती कीमत 20 रुपये होगी। 5G की हाई स्पीड के साथ इसमें 3 महीने तक सब कुछ फ्री होगा। सबसे मस्त बात यह है कि ये 2020 में ही लॉन्च करने की पूरी कोशिश करेगा, और इससे भी मस्त बात यह है कि 5G की स्पीड 4G से 10 गुना नहीं बल्कि 15 गुना ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।